गत पंचायत निर्वाचन में सबुठ चर्चा था मयूरभ राजनीति चलित थर सबुठ चर्चा रही मयूरभ राजनीति गोटेपटे बीजेपी तार पूर्व सफलता को दोहर आशा बांधि बेले बीजेडी गणदखल कार्यक्रम आरंभ कर राज्यर सर्वबृह जिला तथा आदिवासी प्रबल जिला मयूरभ गोटे समय बीजेडी गण बोलाउता बेले 2017 पंचायत निर्वाचन एवं 2019 साधारण निर्वाचन में बीजेपी एक गण दखल कर सफल होता आबारे बीजेडी पतन घटी सेपटे मयूरभंज में बीजेडी संगठन को सुदृढ़ करने मंग धरी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास एवं बीजेडी रणनीति चलित थर पंचायत निर्वाचन में केते सफल होता देखा बाकी रहा मयूरभंजरे हेब महालढ़ई गत पंचायत निर्वाचन में मयूरभंज सबुठ अधिक चर्चा रही चलित निर्वाचन में चर्चा रही मयूरभंज जिला जिले केवल निर्वाचन को नहीं चर्चा आरंभ हो बीजेपी पूर्व सफलता को दोहर को आशा बांधि बेले बीजेडी पुणि थे गड़ दखल अभियान आरंभ कर कांग्रेस और जेएमएम पंचायत लड़ई रेस बहु पछे रही तेज मयूरभंजरे महालढ़ई में जनता कहा को समर्थन करे जानापी उत्कंठा बढ़ी किंतु 2017 निर्वाचन जो फलाफल मयूरभंज देखी से बड़धरण व्यतिक्रम देखा मिले चर्चा आरंभ हो पछर कारण है मयूरभंज बीजेडी कर स्वतंत्र रणनीति राज्यर सर्वबृहत तथा आदिवासी प्रवण जिला मयूरभंज 56 जिला परिषद जोन और 9 निर्वाचन मंडल रही सेतिमध्यरु 7 निर्वाचन मंडली मयूरभंज लोकसभा आसन अधीन रही बेले बड़साई निर्वाचन मंडली बालेश्वर और करंजिया निर्वाचन मंडली केन्दुझर लोकसभा अधीन रही तेरे दीर्घ दिन धरी बीजेडी मयूरभंज को निजर सुरक्षित गड़ भाव गढ़ी तोलता बेले 2017 पंचायत निर्वाचन और 2019 साधारण निर्वाचन में गड़े गेरुआ बाना उड़ाइबारे सफल होता बीजेपी बीजेडी अत्यधिक आत्मविश्वास और असंतोष पाई बीजेपी एठारे से भली कठिन परिश्रम नक आशा ठार अधिक सफलता पाई 2012 एकाकी संख्यागरिष्ठ दल भाव जिला परिषद अध्यक्ष पद हाथ बीजेडी 2017 निर्वाचन में एक अंक आसन में सीमित रही आईठू मयूरभंज आरंभ होता बीजेडी पतन 2017 जो ट्रेन आरंभ होता 2019 निर्वाचन में से समान ट्रेन बीजेडी शिविर दोस्त विदुस्त कर 2019 साधारण निर्वाचन में 6 विधानसभा आसन में बीजेपी विजय बाना उड़ाई बेले लोकसभा आसन निज खातारे जोड़ा पद्म क्या केवल 3 आसन में बीजेडी जीति तार अस्तित्व रक्षा करिवारे सक्षम होता हेवीवेट नेता अरुण साहू जिलार दायित्व नहीं दल को से भली सफलता मिल ना आपर मयूरभंज जिले में बीजेडी मंग धरी दलर सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास आपर विभिन्न कार्यक्रम जरिया दलर संगठन को मजबूत करने मयूरभंज फोकस रही बार्ता दि जाता आई फर्मूला ही मयूरभंज बीजेडी को शक्तिशाली कर चर्चा होड़ा अन्य दलर हेवीवेट नेता बीजेडी क्यांप्रे सामिल कर बीजेडी आहुरी बलियान हो जार फलाफल आगामी पंचायत निर्वाचन में देखा मिली कहु अन्यपटे 2017 बीजेपी एकाकी 49 जिला परिषद आसन हाथ बीजेडी गड़े धसई पशिता आई बीजेपी को से भली परिश्रम करने को पड़न बीजेडी अंतगंदल बीजेपी अंडर करेन्ट भली काम करता बास केतोटी झटकारे बीजेडी शिविर छारखार हो पाई आई धारा 2019 निर्वाचन पर्यंत जारी रही 2019 बीजेडी को 2017 भली समदशा भोगिबाकु पड़ता पंचायत फलाफल रिपीट साधारण निर्वाचन में देखा मिलता बीजेपी सपक्ष में हावा मयूरभंज में मात्राधिक बेगर बही
ଭୋଟର ବିଜେପିକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ ଆଉ ଦଳ ସାଂସଦ ପଦ ସହ 6ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇଥିଲା। ଏପରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। କିନ୍ତୁ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାବଭାବ ହିଁ ବିଜେପିକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ସାଜିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ବିବାଦରେ ରହିଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦଳର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଭଳି ମାଡ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବା ସହ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବିଜେପି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସେଟ୍ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିବା ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିବ ତାହା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନି ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଭରସା କରିବେ। ସେହିଭଳି ଏକଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପତିଆରି ଜାହିର କରୁଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ 2017 ଭଳି ହେବନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ 2017 ଫଳାଫଳର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ 2017 ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ଥର ବିଜେପି ଶିବିର ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କହିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାହାର। ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।